Hey guys, what's up? Hi, myself DJ Kinnath and you are watching the Adventure Club Guwahati. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। स्माइल स्माइल करो, एमडे करो। की ब्याह हो? ये निस्टीप फोटो मारी लिपस्टिक ब्याह। इंडिया इज ए अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री, तो यहाँ पे हर रोज काम होती है और धूल उड़ती है, तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइज, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद, जो गुवाहाटी में इस्टेब्लिश्ड है। उमानंद जाने के लिए वहां पे आपको दो काउंटर मिलेंगे। एक काउंटर में आपका प्राइवेट है जो 100 रुपीज में अप एंड डाउन लेगा, और जो सरकारी है वो 20 रुपीज में अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। प्राइवेट घाट जो होगा वो ठीक प्लेनेटोरियम के बगल में होगा, और उसको क्रॉस करने के बाद आपको जो सरकारी है वो मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा दूर जाके आपको सरकारी जहाज मिलेगा। जहाज में चढ़ने के लिए आपको टाउन में एक केबिन मिलेगा, वहाँ पे भी बैठ के जा सकते हैं, या फिर आप ऊपर में चढ़ के भी जा सकते हैं जहाँ से आपको कंप्लीट व्यू मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम रुकाएगा नहीं, हर 10 मिनट बाद एक एक जहाज यहाँ से चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, एकदम टाइम नहीं लेता है। यहाँ से जो जहाज का जर्नी है वो शुरू होती है, बस कुछ ही समय बाद हम लोग उस पार में पहुंच जाएंगे, उमानंद टेंपल। This is the world's smallest river island, Umanand, with a beautiful temple. Umanand, जो पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये नॉर्थ गुवाहाटी और गुवाहाटी सिटी के बीच से ब्रह्मपुत्र के बीच में उमानंद आइलैंड इस्टेब्लिश्ड है। एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, आम आदमी की भी होनी चाहिए।
पे छोटी छोटी स्टॉल बहुत दिख रही है, ये बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस करते हैं, फिर शाम को वापस भी चले जाते हैं। ये टावर जो आपको दिख रही है वो एक्चुअली गुवाहाटी के रोप वे के पोस्ट है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं उमानंद टेंपल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, सो इसीलिए मैं बाहर से ही आपको जितना हो सके दिखाने की कोशिश करेंगे। पुरी जावा बाबू, पुरी जावा। दिस इज द बैक साइड ऑफ द टेम्पल। Best time to visit in Umanand temple is Shivratri. और occasionally जो New Year है, जैसे सरस्वती पूजा है, वैसे दिन में भी आप आने से बहुत tourist आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिल को भी आपको सुकून मिलेगा। वैसे तो हमेशा ये खुला ही रहता है, फिर भी आप लोग आने से पहले ही एक बार inquiry करने से best होगा। और वो है रोपवे का एक छोर जो नॉर्थ गुवाहाटी है। पहले वाला गुवाहाटी में है, दूसरी ये। एंड दिस इज द प्राउड ऑफ असम। Awesome Assam, the smallest river island of the world, Umanand. Assam ka bamboo sabse famous hai. और वही बैम्बो से बना हुआ ये सामान यहाँ पे भी आपको जरूर मिलेंगे। Assam is a state in northeastern India, situated south of the eastern Himalayas along
the Brahmaputra and Barak river valleys. Assam is very famous for the Kamakhya temple, biggest and smallest river island, ropeways and many more. So that is why Assam is so popular. It's called Awesome Assam. You are always welcome in our Assam. Please welcome.